करने जा रहे हैं एक 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान के बारे में जिसका नाम है ह्यूंडई ऑरा। प्राइसिंग स्टार्ट होती है लगभग 5 लाख से और टॉप मॉडल की कीमत है 10 लाख रुपीज़। ये मैं एक्सशोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा तो आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। 1200 cc के साथ इंजन आता है, डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट है, 73 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 190 Nm टॉप के साथ। तो चलिए देखते हैं आज क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या रिव्यू है इस गाड़ी के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द साइड डायमेंशंस। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो आपको 3995 mm की लेंथ मिलेगी, 1680 mm की विड्थ मिलेगी और 1520 mm की हाइट मिलेगी। 2450 mm का व्हील बेस है और 949 का कर्व वेट है। तो चलिए टायर साइज की बात कर लेते हैं। तो टायर में आपको R14 आता है इसमें, या इट्स R14 165/70 R14 C8 का टायर आता है। अगर ये R15 होता तो ज़्यादा बेटर था, बट अगर ये साइड प्रोफाइल देखें तो हम ये भी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए कोई इशू नहीं आएगा। साइड में आपको यहाँ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, हालांकि ये टॉप वेरिएंट नहीं है, टॉप वेरिएंट में आपको वॉर्वियम्स पे इंडिकेटर प्लेस मिल जाते हैं। डोर पर आपको किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है इस मॉडल में, जो टॉप मॉडल है उसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाते हैं। तो एज यूजुअल कीलेस एंट्री का वर्क करते हैं। पीछे पिलर पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलेगा। पीछे बूट पर आपको बड़ा बड़ा ऑरा लिखा हुआ दिखाई देगा, काफ़ी वाइडली तरीके से यहाँ पर ह्यूंडई का लोगो आ जाता है। रियर पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स और ये है टेल लैंप्स, LED टेल लैंप्स है। यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट मिल जाती है और ये रिफ्लेक्टर, और यहाँ भी आपको रिफ्लेक्टर स्ट्रिप्स मिल जाती हैं। हालांकि पार्किंग सेंसर्स दो ही मिलते हैं इस आपको इस गाड़ी के अंदर, अगर 4 मिलते तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि ये जो साइड्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट कवर करती हैं, तो जिसकी वजह से गाड़ी कभी भी टच हो सकती है। सेफ्टी में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म। रियर सीट बेल्ट वार्निंग, साइड इंपैक्ट बीम, फ्रंट इंपैक्ट बीम, एडजस्टेबल सीट्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, EBD, रियर कैमरा, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसरिंग, ऑटो डोर लॉक, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, फ्रंट में यहाँ पर आपको ह्यूंडई का लोगो मिलेगा और ये है काफ़ी बड़ी ग्रिल जो कि ग्रे इंसर्ट्स के साथ आती है। यहाँ पर आपको DRLs मिल जाते हैं जो कि नियोस वेरिएंट के साथ चलते हैं, ग्रैंड आइटन नियोस में भी आते थे ये। और ये है फ्रंट हैलोजन लाइट्स, यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और नीचे ये है प्रोजेक्टर फॉग लैम्प। हालांकि फ्रंट में ग्रिल बहुत ज़्यादा बड़ी करी गई है इस गाड़ी की। टॉप वेरिएंट में आपको अलॉय आ जाते हैं 15 इंच के साथ। तो चलिए क्विकली अंदर चल के बात कर लेते हैं, एक बार पैसेंजर साइड डोर ओपन करके दिखा देता हूँ आपको।
तो यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, पावर विंडो के बटन। यहाँ पर आपको टॉप मॉडल के अंदर क्रोम फिनिश मिलेगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर बॉटल होल्डर का स्पेस है और थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पर स्पीकर्स, और ये है रियर एसी वेंट्स। और इस तरीके से दिखता है कुछ फ्रंट का डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी, डोर ग्रैब हैंडल्स, पीछे के विंडशील्ड पे डिफॉगर आता है। और यहाँ आपको दो हेडरेस्ट मिलेंगे विद वन आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट के अंदर दो कप होल्डर की स्पेस। तो चलिए ड्राइवर साइड पैसेंजर, ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ भी आपको एज यूजुअल ओवीएम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फोकस कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के बटन्स, ड्राइवर साइड डोर जो विंडो है वो ऑटो डोर डाउन अप है, और यहाँ पर नॉर्मल पावर विंडोज़ मिलेंगी आपको, कोई ऑटो नहीं है। थोड़ी स्पेस यहाँ मिल जाती है की वगैरह रखने के लिए, यहाँ पर बॉटल होल्डर का स्पेस और थोड़ी स्पेस यहाँ, स्पीकर। हालांकि यहाँ एक डिज़ाइन दिया गया है, हार्ड टच ही है। और ये है मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स। और ये है टिल्ट स्टीयरिंग, टेलीस्कोपिक नहीं है ये। यहाँ आपको हेडलाइट लेवलिंग स्विच और फ्यूल लिड ओपन करने का बटन मिल जाता है, और ये है फ्रंट बॉनेट ओपन करने का बटन। थ्री पेडल्स, चलिए अंदर चल के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको की के बारे में बता देता हूँ। की में आपको इस तरीके से तीन बटन देखने को मिलेंगे, लॉक अनलॉक, और इसको अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो बूट ओपन हो जाएगा। स्टीयरिंग पर आपको लेफ्ट के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉइस कमांड वगैरह कॉल रिसीव करने के बटन मिल जाएंगे। राइट में आपको आई थिंक क्रूज आता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये टॉप वेरिएंट में आएगा, ये टॉप सेकंड है तो इसमें ये चीज़ प्लेस नहीं है। चलिए एक बार मैं गाड़ी ऑन कर लेता हूँ। या तो इस तरीके से आता है फ्रंट इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। राइट में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, लेफ्ट में टैकोमीटर मिलता है, और ये फ्रंट MID है जो कि ये बटन से कंट्रोल होता है। यहाँ पर आपको दो ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं, टाइम शो करता है कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ओवरऑल ओडोमीटर वगैरह सारी चीज़ें। और ये है वार्निंग लाइट्स यहाँ पे, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर वगैरह शो कर देता है। हालांकि ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। यहाँ आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, और यहाँ आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हालांकि टॉप वेरिएंट के अंदर आपको ऑटो में मिलेंगी हर चीज़ें, जैसे कि लाइट्स और वाइपर्स। और यह है इंफोटेनमेंट सिस्टम, टॉप मॉडल के अंदर 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, हालांकि आफ्टर मार्केट है तो इसके बारे में आज मैं बात नहीं करूँगा। और ये है 2 AC वेंट्स, हजार्ड लैंप का स्विच, AC के कंट्रोल्स, ब्लोअर्स के कंट्रोल। यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाता है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ मिल जाती है फ़ोन वगैरह रखने के लिए,
और ये है 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन बॉक्स, दो कप होल्डर की स्पेस, मैनुअली हैंड ब्रेक और थोड़ी सी स्पेस यहाँ भी आ जाती है। स्पेस की हालांकि इस गाड़ी में बिल्कुल कोई कमी नहीं है, यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा। और इस तरीके से दिखता है कुछ फ्रंट का डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर आपको ब्राउन इंसर्ट्स मिलेंगे, हालांकि ब्राउन भी नहीं है, थोड़ा कॉपर कलर के इंसर्ट्स हैं। क्वालिटी टच की बात करूं तो मैं बेटर है, सोसो है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हार्ड टचेस हैं तो मे बी स्क्रैचेस जल्दी आएंगे। और ये है इस इवेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप है, आप इजीली सामान रख सकते हैं इसमें, कोल्ड भी है ये तो आप कुछ भी बॉटल वगैरह भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको कोई भी तरीके का कोई वैनिटी मिरर नहीं है। ये हैं डोर ग्रैब हैंडल्स, तो चलिए बूट की बात कर लेते हैं। तो हालांकि की से भी ओपन हो जाता है बूट, अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो। एक सेकंड में फोकस कर लेता हूँ, या अगर इसको अपन प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बूट ओपन हो जाता है। तो ये कुछ 420 लीटर का बूट यहाँ पर आपको मिलता है, हालांकि इसमें CNG किट लगा हुआ है तो ये थोड़ा सा कम हो गया है। अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई लाइट वगैरह प्रोवाइड नहीं होती है और ये काफ़ी ज़्यादा डीप किया गया है जिससे कि इंग्रेस और एग्रेस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, हालांकि ऐसा और कोई इशू नहीं है। फ्रंट व्हील ड्राइव आती है Hyundai Aura, कैसी लगी आपको 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान कमेंट्स में बताइएगा हमें। डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शंस आते हैं, डीजल में आपको AMT भी आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोटिव अवेयरनेस बाय वैभव, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिले, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ डेली बेसिस पे कार रिव्यूज़, बाइक रिव्यूज़ और ऑटोमोबाइल अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़। तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।